पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बिल्कुल साथ लग रहे पार्क में। यहां पर कई स्टूडेंट्स आए हुए हैं। पुलिस की जो महिलाओं की भर्ती थी उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में रखा जा रहा है। ये इन बच्चों से तो बाद में बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्वेता ढुल। श्वेता ढुल अपने आप में एक जाना पहचाना चेहरा है, इनके बारे में इन्हीं से पूछेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, सबसे पहले आप अपना जो जो आपकी गतिविधियां प्रमुख रूप से रही उन्हें को डिफाइन कर दीजिए। जी मैं पहले HCS एस्पिरेंट रही हूँ। IAS का मैंने एग्ज़ाम दिया, HCS का दिया, इंटरव्यूज़ दे चुकी हूँ। और जब मैंने देखा कि हरियाणा में रैम्पेंट करप्शन है, बहुत सारी भर्तियों में, HCS से ही शुरुआत करते हैं, तब से मुझे लगा कि हरियाणा में बहुत ज़्यादा धांधलियाँ रही हैं और उसके खिलाफ बोलने का अब मौका है, क्योंकि मुझे एक एक दो दो नंबर से हर बार इन्होंने फेल किया, तो वो बहुत गलत तरीका था। आई थॉट कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट वो टाइम के साथ ठीक नहीं हुई। तो मैं इस सोशल एक्टिविज़म में आगे, रिक्रूटमेंट एक्टिविज़म में, मुझे लगा कि सिर्फ मेरा ही मुद्दा नहीं, बहुत सारे अन्य अभ्यर्थी हैं HPSC के, HSSC के, जो इस चीज़ से पीड़ित हैं और जहाँ कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जैसे राजस्थान के स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, जैसे UP के स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, वैसे हरियाणा के नहीं हैं। हम लोग आगे आके बोलते ही नहीं थे, मुखर ही नहीं थे। हम लोग डरते थे कि कहीं टारगेट तो नहीं हो जाएंगे, कहीं चिन्हित तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमें इंटरव्यू में कम मार्क्स तो नहीं मिल जाएंगे कि पता लगे कि ये आके बोल रहा है ऐसे। तो ऐसे मुझे हरियाणा के यूथ को इकट्ठा करना था, उन्हें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना था कि वो डरे ना, अपनी बात मुखर होके बोल सकें, केसेस फाइल कर सकें, चेयरमैन अधिकारियों से मिल सकें, CM साहब को अपनी बात कर सकें। और मैं इस बात से खुश भी हूँ कि कुछ हद तक ये चीज़ें हुई भी है, ये परिक्रमा जो ये परिवर्तन चक्र है ये बदलने भी लगा है, अभ्यर्थी आने लगे हैं, आप खुद देख सकते हैं। हालांकि हमारे आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ चले गए हैं, धरना स्थल पर चले गए हैं, तो अभ्यर्थी आते हैं, आंदोलन प्रदर्शन करते हैं, अपनी बात मुखरता से करते हैं। श्वेता जी, राजस्थान का आपने जिक्र किया और स्टेट्स का जिक्र किया, राजस्थान में एक परीक्षा, कोई मामला आया सामने, उन्होंने तुरंत सारी परीक्षा रद्द कर दी। हरियाणा में, हरियाणा सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में जो मामला हुआ, विजिलेंस ने रेड की, विजिलेंस ने पकड़ा, अधिकारी को पकड़ा, उसके अलावा कई लोग क्वेश्चन मार्क में आए, इन परीक्षाओं को रद्द करने या ना करने पर आपका स्टैंड क्या है? देखिए, जिस चीज़ की सज़ा अधिकारी को मिल चुकी है वो 3 महीने से जेल में है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, मान चुके हैं कि वो गलत हैं, वो डिसमिस हो चुके हैं अपनी सर्विस से फॉर एवर, लेकिन जो उन्होंने गुनाह किया वो पेपर अभी तक बरकरार है। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत के साथ वो पकड़े गए, वो रिश्वत भी इन्होंने जब्त कर ली, उनको भी उन्होंने अंदर डाल दिया, लेकिन जिस चीज़ के लिए गिरफ्तार किया वो ठीक है अब तक। तो इस पे मेरा स्टैंड ये है कि वो चीज़ ठीक क्यों है, वो अब तक रद्द क्यों नहीं की गई। तो इसको लेकर आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी, क्योंकि आप एक ऐसा चेहरा हैं जो सोशल मीडिया पर जब कुछ बोलते हैं तो बच्चे आपको सुनते हैं जी। तो उनकी उम्मीदें आपसे काफ़ी हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, मेरा जो मेन मोटिव है वो है जागरूकता, अभ्यर्थियों में जागरूकता लानी है कि अपने अधिकारों के लिए हम सबको बोलना है। क्या HCS के मामले को लेकर कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं आप लोग? HCS के मामले को लेकर जरूर हम कोर्ट का रुख करेंगे। एक बार ये जरा दें, आगे अगर ये प्रक्रिया बढ़ाते हैं तो बिल्कुल कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाना बनता भी है। इसके अलावा चर्चा की जाए इस वक्त, मतलब अगर पिछले 6 महीने साल की चर्चा करें, तो ऐसी प्रमुख परीक्षाएं कौन सी हैं जो क्वेश्चन मार्क में हैं? जी, लगभग सारी ही परीक्षाएं हैं जो क्वेश्चन मार्क में हैं। कारण उसका ये है, डिफाइंड सिलेबस नहीं है, डिफाइंड कोई कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है। ये जो परीक्षाएं पूछते हैं प्रश्न पत्र, उसमें त्रुटियां होती हैं जिसे करेक्ट ही नहीं करते हैं। आप क्लर्क एग्जाम में देख सकते हैं कि 3-4 क्वेश्चंस गलत थे, HCS एग्जाम में 25 क्वेश्चन गलत थे, उसको ठीक ही नहीं करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ठीक करवाने के लिए या आंसर की ठीक करवाने के लिए कोर्ट का रुख करना पड़ता है। ये चीज़ें तो ऐसी नॉर्मल हैं जो खुद कमीशन को कर देनी चाहिए। आप तो सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं अच्छे तरह से, आपने और स्टेट जो है उनको भी, पड़ोसी राज्यों को भी स्टडी किया है, हिमाचल में वहाँ का लोकल जो क्वेश्चन है 25-30% आते हैं, इसी तरह पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा में ऐसी स्थिति लागू क्यों नहीं हो पा रही और आपके क्या एफर्ट हैं? ये हमारी प्रमुख मांग रही है, ये मेरी शुरुआत पहले दिन से प्रमुख मांग रही है कि ग्रुप ए और बी की सर्विसेज में एक सेपरेट पेपर 100 मार्क्स का हरियाणा GK का होना चाहिए और ग्रुप सी और डी में कम से कम 25-30% हरियाणा GK में आने चाहिए। आज ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं हरियाणा कांस्टेबल के, सिर्फ एक प्रश्न आया हरियाणा GK से, कारण उसका क्यों
हरियाणा के बच्चों को क्यों हाशिए पर धकेला जा रहा है, उनको क्यों नहीं आगे लाया जा रहा है, ये हमारी प्रमुख मांग है और इसके लिए हम मांगते रहेंगे और आगे इसके लिए लड़ते रहेंगे। पर सरकार हो या चेयरमैन साहब हो, ये तो दावा करते हैं कि हम पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं ले रहे हैं, पारदर्शिता से भर्तियां कर रहे हैं। देखिए, दावे और वो जो एक्शन है उसमें फर्क होता है। दावे में आज बोल दिया कि हमने इतने अभ्यर्थियों को कन्विक्ट कर लिया है, 4400 को पकड़ लिया है, अखबार में आता है कि 42 जमानत पर रिहा हैं बाहर, जो 3 महीने पहले अभ्यर्थी वो जो रैकेट चलाने वाले पकड़े जाते हैं, 3 महीने बाद आके यही काम करते हैं, वो यही पेपर लीकेज का काम करे जा रहे हैं। नागर को पकड़ा हुआ है, अनिल नागर HCS हैं, अनिल नागर को जिस आरोप में पकड़ा, जिस पेपर लीकेज के लिए, वो पेपर अभी तक बरकरार आ रहा है, उसके ऊपर कोई भी स्टैंड नहीं लिया जा रहा, क्यों, किस लिए? इसके अलावा अगर चर्चा की जाए बाकी परीक्षाओं की, तो कहीं ना कहीं परीक्षाएं जो क्वेश्चन मार्क में आ रही हैं, इन सब चीज़ों को आप डीपली स्टडी करते हैं, आपके इनको सजेशंस क्या हैं? देखिए, मेरे सजेशंस ये हैं कि युवाओं को अपना विरोध ही ना देखें, कि अगर आपके पास कोई गुहार लेके आ रहे हैं तो उन्हें ये अपना फेस सेव ना करें, वो ये देखें कि कमियां कहां कहां पे हैं, वो आपको कमियां बता रहे। मैं हूं, मैं एक ऑनररी आपके वर्कर की तरह काम कर रही हूं कि मैं आपको आपको आपकी कमियां दिखा रही हूं, तो मुझे एज विरोधी देखने की बजाय ये देखें कि ये लड़की जो जो चीज़ें बोल रही है उनमें सुधार की ज़रूरत है। क्यों नहीं 25%, 30% हरियाणा जीके पूछा जाए? क्यों नहीं एक सेपरेट पेपर HCS में हरियाणा का पूछा जाए? क्यों नहीं आप प्रश्न पत्र जब बनाते हैं उसकी प्रूफ रीडिंग की जाए कि गलत प्रश्न पत्र ही ना आए? एक एक क्वेश्चन के ऊपर आप इन या आउट हो सकते हो, आपका करियर बन सकता है या बिगड़ सकता है, ये सब चीज़ें। RTI में भी आप खूब एक्टिव रहती होंगी जहाँ तक संभावना है। हरियाणा के अंदर हर डिपार्टमेंट में बेहद वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, उसके लिए आप सरकार से क्यों नहीं मिलती या बात नहीं करती या विरोध क्यों नहीं करती? देखिए, विरोध मेरा है और सजेशंस भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी अंध विरोध है मेरा, सजेशंस भी मेरे रहे हैं और जो भी उन्होंने अच्छा कार्य किया उसके लिए सराहना भी की है सरकार की, ऐसी बात नहीं है कि मैं कह रही हूँ परिवर्तन चक्र बदल रहा है, लेकिन जितने जल्दी अभ्यर्थी या युवा बदल रहे हैं ना, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, हरियाणा नंबर वन पे है बेरोजगारी में, तो जितने ये बदल रहे हैं उतना ही सरकार को भी बदलना पड़ेगा, इच्छा शक्ति लानी पड़ेगी, मंशा उतनी डेवलप करनी पड़ेगी। और RTI का जहाँ तक आपने सवाल किया, RTI के जवाब कहाँ मिलते हैं? RTI के जवाब में लिखा जाता है कि प्रक्रिया अभी चल रही है, हम इसका जवाब नहीं दे। मुझे अपने अंक जानने हैं, मैं अपने अंक जानने के लिए कोई RTI लगाती हूँ, तो उसमें लिखा जाता है कि प्रक्रिया अभी चल रही है, हम नहीं बताएंगे। अब मैं आपको इसका सच सच इसकी चीज़ बताती हूँ, आपको क्या होता है इस चीज़ का, यदि अंक नहीं बताओगे तो मैं कोर्ट नहीं जा सकती, फिर आप यहाँ पर ज्वाइनिंग कर देना, ज्वाइनिंग के बाद मैं कोर्ट जाऊँगी तो कोर्ट कहेगा इनफ्रक्चुअस मैटर, मेरे अंक ज़्यादा है मैं फिर भी नहीं लग पाई, इनफ्रक्चुअस वहाँ पे मैटर कर दिया, क्योंकि जो बच्चा मेरी जगह पे लगा होगा उसके खुद के राइट्स अराइज हो गए। आप ऐसी ऐसी RTIs नहीं देते हो। सोशियो इकोनॉमिक को लेकर जी आपका क्या कहना है? सरकार तो लगभग 6 महीने से ये कह रही है, चेयरमैन साहब भोपाल सिंह जी के हमने भी इंटरव्यू किए हैं तो उन्होंने ये कहा है कि ये बंद कर दी गई है। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक पे कमीशन कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ये हरियाणा सरकार का लेजिस्लेटिव डिसीजन है, लेजिस्लेटिव डिसीजन है। पहले इन्होंने 10 अंक किए जो कि बहुत गलत थे, ये बहुत अच्छी सोच है आपकी कि जिस परिवार में नौकरी नहीं है उस परिवार में नौकरी दी जाए, ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन प्लेट में सजा के नहीं, उनकी ज़िंदगी आसान कर दीजिए, उनकी पढ़ाई मुफ्त कर दीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की उनको तैयारी मुफ्त करवाइए, उनके फॉर्म के पैसे ना लें आप, उनके आने जाने का भाड़ा फ्री कर दें, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जहां संविधान ने आपको 49.5% रिजर्वेशन सोशल और एजुकेशन आधार पे ऑलरेडी दे रखी है, 10% दे दी इकोनॉमिक आधार पे EWS, तो दोबारा सोशियो इकोनॉमिक देने क्या जरूरत है, जब सोशल एजुकेशनल इकोनॉमिक इज ऑलरेडी कवर्ड इन 59.5%, तो 10 आगे ये 10 अंक किस बात के, 5 अंक किस बात के, ये तो डबल रिजर्वेशन है। फिर उसके बाद ये कहना कि हम मेरिट पे भर्तियां कर रहे हैं, वो मेरिट पे भर्तियां नहीं है, वो एंटी मेरिट है, एक्चुअली ये मेरिट मिशन नहीं है, ये एंटी मेरिट मिशन चला क्या है। कभी आपने ये स्टडी करने की कोशिश की कि जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर जिस भी बच्चे को मिले, जिसको भी रोजगार मिला या नहीं मिला, तो वो नंबर कहीं प्रदर्शित करते हैं ये कि उसको दिए गए या नहीं दिए गए? देखिए, प्रदर्शित अब करने लगे हैं कोर्ट के दबाव में आके, जब कोर्ट की ऑर्डर बच्चे लेके आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना बच्चे जागरूक हो रहे हैं, कोर्ट के दबाव में आके वो लेके आ रहे हैं ऑर्डर्स, और जब यहाँ पे डिटेल्ड रिजल्ट इनको पब्लिश करना पड़ रहा है तो बहुत सारे फर्जी बच्चे निकल रहे हैं, फर्जी नंबर आ रहे हैं सामने। आज का मुद्दा जो है महिला कांस्टेबल का,
इसको लेकर क्या कहना है? जी, आज का जो मुद्दा है वो महिला कांस्टेबल ही नहीं, पुरुष कांस्टेबल भी है। 1100 भर्तियां हैं जो महिला कांस्टेबल की और 5500 भर्तियां पुरुष कांस्टेबल की 2019 में एडवर्टाइज हुई थी। 2020 में इसका एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट आया। जो रिजल्ट आया वो बहुत गलत तरीके से बनाया, और इस रिजल्ट का मैं आज ऑन कैमरा बोलती हूँ कि अगर इन्होंने रिवाइज नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में जाके ये रद्द होगा, और जो पीटीआई वाले भर्तियों का बच्चों का हाल हुआ है वही इन बच्चों का होगा। जो अंदर जाएंगे वो भी और जो बाहर रहेंगे वो भी सफर करेंगे इस चीज में, क्योंकि इन्होंने दो जो विभिन्न एंटिटी हैं, एक परसेंटाइल और दूसरा अंक, दोनों को जोड़ के रिजल्ट बनाने की कोशिश करी है। आप एक चीज समझिए, परसेंटाइल एक स्कोर होता है, किसी बच्चे के स्कोर के साथ उसको जो अतिरिक्त अंक मिल रहे हैं उसे कैसे जोड़ सकते हैं? या तो अंकों को भी स्कोर में ही कन्वर्ट कर दें कि स्कोर के साथ स्कोर प्लस करके रिजल्ट बना दें, या अंक रखें और उसके साथ अंकों को जोड़ के रिजल्ट बना दें। ये दो एंटिटीज को जोड़ के ये कैसा रिजल्ट बनाए, क्या मजाक है? मतलब ये तो विजिबल, मतलब ये अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलती है, ये गुनाह है। धन्यवाद श्वेता ढुल जी। तो ये है श्वेता ढुल जो कह रही है कि सकारात्मक पॉजिटिव जो कहीं आलोचना की जाती है तो उसको भी नेगेटिविटी में नहीं लेना चाहिए, वो व्यक्तिगत रूप से या राजनीतिक रूप से या किसी और कारण से किसी की आलोचना नहीं करती। जो उनकी आलोचना के कारण होते हैं वो ऑन फैक्ट्स होते हैं, और वो फैक्ट्स जो है वो किसी से झुठला ही नहीं जा सकते। श्वेता ढुल निसंदेह युवा वर्ग के एक आइकॉन बन चुकी हैं। उसका अहम कारण ये भी है कि जिस प्रकार से इन्होंने बच्चों में जागृति पैदा करने की कोशिश की फेसबुक पर, यूट्यूब पर और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, उसके रिजल्ट इनको आने की उम्मीद है कि धीरे धीरे अच्छे आएंगे, और ये जो यूथ इकट्ठा होना शुरू हुआ है ये अपने इन प्रयासों की बदौलत ही मानती हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।